हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कविता की पाकशाला। आज मैं आपको एक बेल को तीन तरह से यूज करना बताऊंगी ताकि आप पूरे साल इस हेल्दी बेल को खा सके। तो देर किस बात की, चलिए स्टार्ट करते। हमने बेल का शरबत बनाने के लिए एक अच्छा सा बेल चूज़ किया और जिसके ऊपर का जो शेल है वो बहुत हार्ड होता है, तो इसको किसी हार्ड चीज़ बेलन या किसी भी चीज़ से आप क्रैक कर लीजिए और अंदर का जो यमी गूदा है उसको बाहर निकालना है हमें। तो ये देखिए कितना गूदेदार है ये बेल और पीला पका, इसकी खुशबू तो बहुत ही अच्छी आती है और इसको वुड एप्पल भी कहते हैं और स्टोन एप्पल भी कहते हैं। तो जो बेल है वो बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, डायबिटीज़ में भी फ़ायदा करता है, कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है, कैंसर से भी बचाता है और पेट की जो गर्मी है उसको दूर करता है। विटामिन, आयरन, प्रोटीन से भरपूर, इसको इम्यूनिटी बूस्टर के नाम से भी जाना जाता है। इसका गूदा बड़े ही आसानी से निकल जाता है अगर पका हुआ बेल हो तो। धीरे धीरे करके हम सारा गूदा निकाल लेंगे, शेल की साइड में भी किनारे जो लगा है उसको भी निकाल लेंगे और ऐसे भी खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। तो यहाँ पर हमने जो गूदा है उसको एक लीटर के करीब पानी डाला ताकि जो गूदा है वो अच्छे से फूल जाए। आप चाहें तो उसको दो घंटे के लिए छोड़ सकते हैं, लेकिन ये बहुत पका हुआ बेल है तो इसको धीरे धीरे हाथ से मैश कर देंगे ताकि सीड और रेसा अलग अलग हो जाए। ये बेल बस गर्मियों में ही मिलता है लेकिन हम चाहते हैं कि इसे साल भर इसका सेवन करें, तो इसके लिए हम इसको प्रिजर्व करके भी रखेंगे। तो आगे मैं बताऊंगी आपको। यहाँ पर एक बड़ी सी छन्नी ली और उसमें हमने सारा जो मैश किया हुआ था उसको डाल दिया जिससे कि फाइबर, सीड और गूदा अलग अलग हो जाए। गूदा वो छन्नी से नीचे चला जाए और फाइबर और सीड ऊपर रह जाए। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। गर्मी में इसे ज़रूर पीना चाहिए ताकि हमारा जो पेट है वो अच्छा ठंडा बना रहे और जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी हमारा दुरुस्त रहे। तो ऐसे करके धीरे धीरे हमने जो गूदा है उसको अलग कर दिया, तो कितना यमी गूदा हमारा निकल गया। तो यहाँ पे अब ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, बस ये जो बचा हुआ भाग है इसमें थोड़ा सा पानी डाल के अलग रख देंगे ताकि हम बाद में जब और पीना चाहें तो उसमें मिला के पी सकते हैं, क्योंकि अभी कुछ गूदा बचा है और इसको वेस्ट नहीं जाने देंगे। यहाँ पर अब मैं आपको बताऊंगी कि पूरे साल किस तरीके से प्रिजर्व करके रख सकते हैं। हमने आइस ट्रे ली और उसमें जो भी ये सॉल्यूशन है इसको सारे ट्रे को भर दिया और इसको हम एक दिन के लिए फ्रीज़र में रख देंगे और इसके क्यूब्स बन जाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने सारा जो आइस ट्रे है उसको भर दिया और फ्रीज़र में रख दिया। और यहाँ पे हम दूसरा स्टेप करेंगे, जो सॉल्यूशन बचा है उसको हमने 4 टेबल स्पून के करीब डाला बाउल में और इसमें 1 कप के करीब ठंडा पानी डाला और जो बेल है वो अपने आप में मीठा होता है, तो आप इसमें शुगर डालें या ना डालें ये आपके ऊपर है। तो लेकिन मैंने इसमें 1 टीस्पून शुगर डाला। बड़ा ही यमी हमारा शरबत बनके रेडी होने वाला है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब इसको सर्व करते हैं 2 बड़े ग्लास में। तो पहले हमने छोटे छोटे आइस क्यूब डाले और इसमें मिंट डाला, मिंट भी हमारे पेट को ठंडक देता है। आज जो सॉल्यूशन है उसको भी हमने इसमें डाल दिया। है ना यमी हमारा बेल का शरबत। लेकिन बच्चे बेल के शरबत जल्दी पीते नहीं हैं, तो उसके लिए हमें एक और अच्छे तरीके का ड्रिंक बनाना है। उसके लिए हम बेल शेक बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने वो जो बचा हुआ सॉल्यूशन है उसको एक जार में डाला और ये देखिए इसको यमी बनाने के लिए इसमें 2 टीस्पून शुगर डाली और 1 ग्लास दूध। बच्चे जल्दी बेल खाते नहीं हैं, तो उनको बेल को किस तरीके से खिलाया जाए तो हम शेक बनाएंगे। तो ये देखिए कितना यमी शेक बन के रेडी हो गया। आप भी अपने घर में ट्राई कीजिएगा। अब इसको हम सर्व करते हैं एक बड़े से ग्लास में। छोटे छोटे आइस क्यूब डाले और जो ये शेक बना है उसको हमने इसमें डाल दिया।
ऊपर से गार्निश करने के लिए छोटे छोटे ड्राई फ्रूट्स के टुकड़े का डाल देंगे। आपको जो पसंद आए वो डालिएगा। है ना कितना यम्मी हमारे दोनों ड्रिंक, अपने घर में ट्राई करके देखिएगा। और जो ये हमने फ्रीजर में रखा था जमाने के लिए, तो इससे हमारे क्यूब्स बन के रेडी हो गए हैं। तो धीरे धीरे करके सारे हम जो ट्रे से क्यूब्स हैं उनको निकाल लेंगे। और ये क्यूब्स बहुत ही काम वाले हैं, इनको आप जब बेल नहीं मिलता है उस समय यूज़ कर सकते हैं। और इनको ज़िपलॉक बैग में भर के रख दीजिए ताकि ये आपके ये साल भर आपके काम आए। तो जब आपका मन करे तो 2 या 3 क्यूब निकालिए और उसमें पानी डाल के और शुगर डाल के आप उससे ड्रिंक बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको 1 बेल से 3 तरीके से इसका यूज़ करना बताया है, तो आप भी अपने घर में जाके ट्राई कीजिएगा। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। इंजॉय, बाय बाय।